हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? यहाँ पे मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए पूरियाँ बना रही हूँ। वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं और लंच में मैं उनके स्कूल के लिए पूरी ही दूंगी। और साथ में मैंने बनाई है बीन्स की सब्ज़ी, और सब्ज़ी मेरी बन गई थी, उसके बाद मैं पूरियाँ बना रही थी। तब तक वो लोग रेडी हो रहे थे, तो मैं यहाँ पे भी खाने के लिए अगर खाएंगे तो एक एक पूरी ही उनको दे दूंगी। वैसे खाते नहीं हैं, मुश्किल से खिलाना पड़ता है। मॉर्निंग में बोलते हैं स्कूल के लिए दे दिया तो वही खा लेंगे, और कभी कभी तो वो भी नहीं खाते हैं, वो भी वापस आता है। तो देखिए पूरी मैंने बना ली है, बस एक दो और बनाऊंगी, अपने लिए भी उसी टाइम बना लूंगी, क्योंकि तेल गर्म हो रखा है, इससे गैस की भी बचत हो जाएगी। और जैसे सबने नाश्ता कर लिया है या बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो अपने अपने लिए बनाना है ना, बाद में तो ऐसे ही आलस आ जाता है, बस ये काम निपट जाए तब बनाऊँगी तब बनाऊँगी, ऐसे ही करती हूँ मैं। अगर मैंने पहले से बना रखी है रोटी अपने लिए या जो भी है नाश्ता में, तो मैं खा लेती हूँ, फिर ये रहता है ना कि बनाया हुआ है तो खा लेती हूँ, बाद में आलस कर देती हूँ, तो इसलिए मैं अपने लिए भी उसी टाइम बना देती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से मेरी सारी पूरियाँ बन गई है, बस लास्ट ही थी, एक दो अपने लिए बना रही थी, फिर उनके लिए उनके लंच बॉक्स जो है स्कूल के लिए तैयार कर दूंगी। फिर जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद मेरा रूटीन शुरू होगा, तो तभी मैं आप लोगों को मिलूंगी उनको स्कूल छोड़ने के बाद। और लोग आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में, अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी बच्चों को, और मैं यहाँ से अपना क्लीनिंग का जो रूटीन है यहाँ से स्टार्ट कर ली हूँ। आज मैं अंदर से नहीं की है कमरों से, क्योंकि बारिश हुई है और बहुत मिट्टी मिट्टी धूल धूल सी हो रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा पहले मैं आज बाहर से ही सफाई शुरू कर लेती हूँ, तो पाँव में अंदर ऐसी धूल धूल चली जाती है। और आप में लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? मेरे बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, और मेरी हर एक वीडियो, मतलब बहुत कम वीडियो होंगी जिस पे नहीं आते होंगे नए लोग, नहीं तो आते रहते, किसी वीडियो पे दो लोग, किसी पे तीन, किसी पे चार, किसी पे एक, मतलब आते रहते हैं जो नए हैं और लिखते हैं हम नए फ्रेंड हैं, न्यू फ्रेंड सब्सक्राइब कर लिया है, या ऐसे कुछ ना कुछ लिखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे लिखने से क्या होगा, हमें पता तो चल जाता है ना किसने सब्सक्राइब किया किसने नहीं किया, और मैं फिर भी जो नए आते मुझे लगता है कि ये फ्रेंड नहीं है तो मैं फ्रेंड बना लेती हूँ चाहे उसने नहीं भी किया सामने से। तो ऐसा करने से क्या होता है, कौन से हमारे घर का कुछ जा रहा है एक सब्सक्राइब करने से, तो ऐसा ना करें। व्हाइट स्टोरी से तो हमें पता चल जाता है किसने फ्रेंड बनाया किसने नहीं बनाया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे तो सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहे हैं ना घट रहे हैं, जितने हैं उतने ही हैं। तो ऐसा ना करें प्लीज़, जो नए आते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रिटर्न मिल जाएगा आप लोगों को। तो बाहर मैंने सफाई कर ली थी, पूरी क्लीनिंग हो गई थी, अब मैं लगी थी पोछा लगाने, झाड़ू आज गौरव ने लगाया, आज वो स्कूल नहीं गया, कल वो साइकिल से फिसल गया था और बोला था मॉर्निंग में मेरे हाथ में दर्द हो रहा, तो मैंने थोड़ा नमक पानी से सिकाई की और वो घर ही में रुक गया था, तो मैंने कहा जब तक मैं पीहू को छोड़ के आ रही हूँ स्कूल से तब तक पूरे घर में झाड़ू लगा ले, तो झाड़ू उसने लगा लिया था, तो थोड़ा मुझे आसानी हो गई थी। बस मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर ली हूँ, और मुझे इसी स्टाइल से पोछा लगाना अच्छा लगता है, इससे सफाई भी ज़्यादा हो जाती है और मुझे ये इजी लगता है, मुझे यही तरीका सही लगता है पोछा लगाने का। तो ये देखिए मैं एक कमरे में लगा ली थी, दूसरे में आ गई थी, इसके बाद मैं बाहर वाले में लगाऊंगी, फिर उसके बाद बाथरूम की सफाई। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी तक मैंने किचन की क्लीनिंग नहीं की, वो लास्ट में होगी, तो पहले कपड़े धुलने हैं। तो फ्रेंड्स यही होता है मॉर्निंग का रूटीन, और ज़्यादातर से ब्लॉग मॉर्निंग में ही बन पाता है, अगर मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं की वीडियो बनानी ना तो बाद में नहीं हो पाती है। तो देखिए यहाँ भी मेरा पोछा लग गया है, बच्चों का ना बेड के नीचे कुछ ना कुछ गिराया रहता है, जैसे ये बॉल है, कुछ ना कुछ सामान तो सफाई करते समय निकलता रहता है, कभी पेन कभी पेंसिल। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, यहाँ पे मैंने जो भी साबुनदानी सर्फ शैम्पू वगैरह रखे थे वो सारे निकाल दिए, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ धुलाई, उसके बाद मैं जो सामान यहाँ पे रखा था ना उसे रख दूँगी, पूरा बाथरूम क्लीन हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर पूजा करूँगी, फिर नाश्ता करूँगी। तो सभी लोगों का ऐसे ही होता है, मॉर्निंग का रूटीन जो होता है ना बहुत बिजी होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिएगा वीडियो में।
और फ्रेंड्स अभी मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा भी मेरी हो गई है और कपड़े धुलूँगी अब और नाश्ता के बर्तन धोऊँगी। वैसे झाड़ू पोछा मेरा सारा काम हो गया है, अभी कर रही हूँ मैं नाश्ता। तो आलू की सब्ज़ी है, बच्चों के लिए मैंने स्कूल के लिए बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी उनके लिए बनाई थी सिर्फ, तो थोड़ा सा बचे थे मैंने आलू की सब्ज़ी में डाल दी वो भी। और अभी कर लेती हूँ फटाफट करके नाश्ता, पूरी है, चाय है, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ और गौरव के लिए मैंने स्कूल के लिए जो टिफ़िन पैक किया था वो भी यहीं पास में ही मेरे बैठ के खा रहा था, क्योंकि वो स्कूल नहीं गया तो यहीं पे मैंने कहा तो भी खा ले जो मैंने रखा था। तो यहाँ पे कुछ नौटंकी करते करते वो भी खा रहा था और मुझे देखे ना, मेरे बिल्कुल भी जो रोटियाँ या पूरियाँ होती है ना, कुछ भी खाया नहीं जाता है, दोनों तरफ के दांतों में ना दर्द होता है, तो कीड़ा लगा हुआ है, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से चबा पाती हूँ। ये होता है ना, जो बचपन की गलतियाँ होती हैं ना, उनकी वजह से पछताना पड़ता है बाद में, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, ब्रश करो ब्रश करो, अच्छे से ब्रश करो, दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, नाइट को भी मॉर्निंग को भी, तो हम तो बार बार लगे रहते हैं, बच्चे ढंग से भी ना करें ब्रश तो फिर भी बोलना पड़ता है सही से ब्रश करो, कीड़े लग जाएंगे दांतों पे। तो जब हम छोटे थे तो घर वालों ने बताया नहीं, क्योंकि गांव में ऐसे ही होता है ना, माहौल ऐसे ही होता है, उन्हें अपने ही काम से फुर्सत नहीं रहती है, तो इतना ध्यान कहाँ दे पाते हैं। तो जब हम खुद ही बड़े हो गए थे, अक्ल वाले हो गए थे कि हाँ ब्रश करना ज़रूरी है, तब जाके किया होगा, नहीं तो पेरेंट्स को तो इतने बिजी रहते हैं, गाँव में इतना काम होता है, मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस टाइम जब छोटे थे ना, नहीं किया होगा ढंग से। और मेरे दांतों में इतना दर्द होता है ना, बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है, इतना टाइम लगता है, रोटी तो बिल्कुल भी चबाई नहीं जाती है, दोनों तरफ दर्द होता है दांतों पे, एक दांत तो मैंने निकलवा भी दिया था। तो नाश्ता कर लिया और फ्रेश कपड़े धुल गए हैं, मैं इनको ले जाती हूँ छत पर फहराने के लिए, और अब रह गए हैं बर्तन मारने के लिए। देखो मैंने वॉशरूम भी क्लीन कर लिया है, यहाँ पे ना फ़ोन सेट करने के लिए नहीं था कि फ़ोन में कहाँ पे रखूँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाथरूम क्लीन हो गया, वॉश बेसिन भी मैंने साफ कर लिया, और ये सूज रैक बाहर रखा रहता था ना, मैंने इस पर सूज रहते हैं, मतलब स्कूल के भी घर के भी सारे इसी पे रहते हैं, जितने आते हैं बाकी तो हम ऐसे ही रख लेते हैं, तो ये मैंने बाहर रखा था। और आजकल डेली ना शाम के टाइम पे मौसम ख़राब हो रहा है, कल थोड़ा थोड़ा बारिश भी हुई तो मुझे दिक्कत हो रही थी, जब मौसम ख़राब हुए तब इसको अंदर लाना फिर इसको बाहर रखना, तो मैंने इसकी जगह यहीं पे बना ली है, इसको मैं यहीं वॉश बेसिन के सामने रखूँगी। और अब रह गया बस इनको कपड़ों को फैला के आते, फिर उसके बाद रह गया किचन, इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बर्तन साफ करने हैं और थोड़ा स्लैब में कपड़ा मारना है। देखिए अभी फ्रेंड्स मैंने यहाँ ना कुछ कपड़े निकाले हैं, ये देखिए कुछ काम कर रही थी, फिर मैंने सोचा पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, इनको मैंने निकाला है यहाँ से, ये देखिए यहाँ के मैं सारे कपड़े निकालूँगी और यहाँ पे सिर्फ रहूँगी सर्दियों के कपड़े, कुछ तो एक बड़ा सा बक्सा है ना उसमें रखे हैं, बाकी जितने उसमें नहीं आए ना उतने यहाँ पे रखे हैं, तो इसमें मिक्स करके रखे हैं, तो अभी के कपड़े मैं गर्मियों के निकाल दूँगी और यहाँ पे रखूँगी सिर्फ सर्दियों के। तो ये मैं निकाल दी थी कुछ कुछ कपड़े, फिर मैंने सोचा पहले कपड़े ही धो लेती हूँ, ये काम तो होता रहेगा, साथ ही साथ खाना भी बना लूँगी। यहाँ की कर लेती हूँ लाइट ऑफ, और फ्रेंड देखिए मैंने फ़ैन भी नहीं चला रखे दोनों रूम में, और इतनी हवा आ रही है ना, ये देखिए पर्दे कैसे हिल रहे हैं। मौसम अच्छा है देहरादून का जो है ना, मौसम अच्छा है, खिड़कियाँ भी मैंने पूरी नहीं खोली हैं, बस दो इस वाले रूम में खोली हैं और इस वाले में मैंने एक ही खोली, इस वाले में एक इसलिए खोली क्योंकि इसमें ये वाला दरवाज़ा भी है, बस ये साइड वाली खोली है बस। और देखिए फैन चलाना भी नहीं पड़ता है, देखो इतनी अच्छी हवा आ रही है।
और फ्रेंड्स लंच में बनी है दाल चावल और साथ में दही, घर की जमाई हुई दही दाल बनी है, सोयाबीन और उड़द की दाल, गाँव की दाल है। सोयाबीन मैंने कब से नहीं बनाई थी तो आज मैंने वही बनाई है, सोयाबीन और इसमें थोड़ा उड़द मिक्स कर ली थी। और दही तो मैं जमाना भूल गई थी, मैं 10 साढ़े 10 बजे जमाई होंगी सुबह, और लंच के टाइम तक वो 1 बजे तक जम भी गई थी। तो यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और हम सब मिलके कर रहे थे यहाँ पे लंच। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी इतनी है, यहीं पे मैं वीडियो का एंड कर लेती हूँ। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।